महुआ विधानसभा क्षेत्र के गोरीगंबा पंचायत में बाढ़ से क्षतिग्रस्त गांव वाले दूसरे जगह पलायन करने के लिए मजबूर है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक हमें कोई भी सरकारी मदद नहीं मिली है, मिली है तो सिर्फ आश्वासन। महुआ विधानसभा क्षेत्र के गोरीगंबा पंचायत में बाढ़ से क्षतिग्रस्त गांव वाले दूसरे जगह पलायन करने के लिए मजबूर है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक हमारे पास कोई भी सरकारी मदद नहीं मिली है तो सिर्फ आश्वासन। गांव वाले त्रिपाल में रहने को मजबूर है, चापाकल डूब चुके हैं। यहाँ के लोगों के लिए खाना और पानी की मुश्किल बढ़ती जा रही है। कल वरीय पदाधिकारी भ्रमण करने के बाद आश्वासन दिए और आज रिपोर्टिंग करने के बाद डॉक्टर आसमा प्रवीण राहत सामग्री बांटती देखी गयी। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका अपना HBN न्यूज चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम समीर। मैं महुआ विधानसभा क्षेत्र गोरीगंबा पंचायत में आ चुका हूं। यहां के ग्रामीण फुलवरिया पंचायत पड़ता है। यहां के ग्रामीण जितने भी हैं, ये ग्रामीण के लोग बाढ़ ग्रसित हो चुके हैं। यहां क्या क्या मुहैया कराई गई है राहत के लिए, हम यहाँ के लोगों से पूछते हैं। इससे पहले हम आप लोगों से पूछें, यहाँ पे कोई नेता या फिर कोई बड़े पदाधिकारी आए हैं आपके राहत सामग्री के लिए, कुछ क्या आश्वासन दिए हैं कुछ बताएंगे? कोई बड़े पदाधिकारी आए ही नहीं, उत्तराशन का क्या आश्वासन देंगे। कल आसमा परवीन जी आई थी और उन्होंने कहा था कि बांध को बंधेकरण करा दिया जाएगा और कुछ राहत के सामग्री लेकर आने के लिए जो आज आए हैं। अच्छा अच्छा, और कोई सुने थे कल कोई बड़े पदाधिकारी आए थे, कोई बता सकते? नहीं आए थे। कल नहीं आए थे, उनको कॉल किए थे DM साहब को, तो उन्होंने बोले थे कि हम आप वहाँ से मैसेज कीजिए। मैसेज हम लोगों ने किया, उस पर भी रिस्पांस नहीं लिया। यहाँ का CEO साहब को हमने कॉल किया, परसों आज तीसरा दिन है, उन्होंने बोला जी 10 मिनट 5 मिनट चौथा दिन है और अभी तक उनका 5 मिनट 10 मिनट नहीं हुआ। रोड पे ऐसा स्थिति बना हुआ है कि जैसे नदी बन चुकी है। यहाँ के ग्रामीण कैसे खा पी रहे हैं, तिरपाल बांध के आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, तिरपाल बांध के रहने पर मजबूर हैं ये लोग। फिर भी यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के नेता लोग इनकी बात तो सुन नहीं रहे हैं। इलेक्शन के टाइम बिल्कुल आ जाएंगे कि देख पा रहे हैं। गोरीगंबा पंचायत में रिपोर्टिंग करने के बाद, हमारे रिपोर्टिंग करने के तुरंत बाद आसना परवीन जी आए हुए हैं। ये ग्रामीणों को मदद करने के लिए आए हुए हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये ग्रामीणों को किस तरह से मदद कर रहे हैं, आप बताइए कैसे। कल यहाँ के ग्रामीण के द्वारा, जैसे ये गांव करनिया गांव है और फुलवारी पंचायत के अंतर्गत आता है महुआ प्रखंड में, तो यहाँ के ग्रामीण वासी लोकल इनको मेरा नंबर कहीं से अपना इंतजाम करके और डायरेक्ट हमको फ़ोन किए। तो फ़ोन करके यहाँ के जो तकलीफ में थे, यहाँ के अपने परेशानी से अवगत कराए और बताया कि मैडम ऐसा ऐसा है और अभी तक हम लोग को कोई राहत नहीं दिया गया है और हम लोग बहुत परेशान, हमारे बाल बच्चे सब घर का घर बाढ़ में पीड़ित हम लोग सारे लोग हो गए और लोग घर छोड़ के यहाँ से पलायन कर रहे हैं दूसरे जगह, सुरक्षित जगह पे। तो मैं यहाँ पर कल ही आई और कल शाम की बात है, 4 बजे मैं आई, इनसे बात की। उसके बाद बात करने के बाद यहाँ के सिचुएशन से अवगत DVM साहब को कराया गया और यहाँ के BDO साहब भी कल भ्रमण में आए और वहाँ बहुत सारे अवगत इस चीज़ से हुए और बोले, आश्वासन दिए कि मदद करेंगे। और बेसिकली जो हम हैं अभी एक सामाजिक कार्यकर्ता के बतौर आए यहाँ पर और इन लोग के तकलीफ तो बहुत ज़्यादा है, सब लोग बाढ़ से ग्रसित है, जो भी मेरे से हो सकता है इनके तकलीफ में हम इनके साथ हैं, राहत सामग्री के तौर पे इनके साथ हम आए हैं। आज दोबारा मेरा सुबह इनका दौरा हुआ यहाँ का और हम इनके साथ हैं, दुख सुख में हैं और हम लोग लग के इस बाढ़ के कठिन परिस्थिति से निकलने का कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग निकलेंगे। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ कल वरीय पदाधिकारी आए थे, उन्होंने सिर्फ बाढ़ को देखा और यहाँ से निकल लिए, आश्वासन दिए। उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं, सरकार से क्या उम्मीद होना चाहिए कि ग्रामीणों को कैसे सहायता किया जाए? सरकार की तरफ से जैसे अभी तक कल मैं भी वहाँ बात की, DM साहिबा बताई, CEO साहब से बात कर रही थी, जो भी इनका जो मुआवजा होता है, जैसे फसल भी डूब गया है तो कल BDO साहब मेरे सामने ही बताए वो कि ये लोग जो भी इफेक्टेड लोग हैं, यहाँ के जो मुखिया है, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, मुखिया और पंचायत समिति जो भी यहाँ के पैक्स अध्यक्ष जो है, ये लोग मिलकर यहाँ पर लिखेंगे जिनके जो भी बाढ़ प्रभावित एरिया है, जो लोग अफेक्टेड है इनका लिस्ट बनेगा और वहाँ जाएंगे और उनको जो भी उचित मुआवजा होगा उनको जरूर मिलेगा। मैंने देखा है अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ के लिए चापाकल डूब चुका है, पानी पीना और खाना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है, इनके लिए आप क्या क्या सुविधा दे रहे हैं?
अभी खाना के तौर पे तो हम लोग यही बताया जा रहा है, जैसे प्रशासन के तरफ से कल बताया गया कि स्कूल है बगल के स्कूल में, वहाँ पर इन लोग वहाँ शिफ्ट अगर हो जाते हैं तो खाना सुबह दोपहर और रात का खाना का व्यवस्था वहाँ सरकार के द्वारा इंतजाम किया जाएगा। अभी हम लोग राहत सामग्री के तौर पर जैसे हो सकता लाइट की भी ये दिक्कत हो तो कैंडल, थोड़ा साबुन का व्यवस्था करके, थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन, क्योंकि ये कोरोना काल भी चल रहा है जी, और सूखा कुछ ड्राई में बिस्किट ये सब भी हम लोग लेकर आए हैं, और चूड़ा ओड़ा के मतलब कि जो थोड़ा राहत इनको मिल सके, राहत मिल सके। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ आसमा परवीन जी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये राहत सामग्री लेकर के आए हैं, बाढ़ ग्रसित इलाके हैं ये, और ये यहाँ के जितने भी घर है लगभग डूब चुका है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कैसे न पानी के लिए पीने के लिए पानी है, तो यही राहत सामग्री बांटा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं HBN न्यूज, मैं हूँ सत्यम शमीर महुआ से। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, सहभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।